तुम्हारे राम है वो एक इस यह आदर्श स्थापित करते हैं कि एक भाई जो एक पिता के वचन के लिए 14 साल तक वन में रहता है और दूसरा भाई उसकी खड़ाऊ को रखकर तावा शासन करता है। तो इस समय एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है कि हाँ ऐसे भी भाई हैं दुनिया में जो कि एक अपने भाई के लिए अपने पिता के वचन के लिए इतना त्याग कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। स्केटिंग शूज पहन के आप राम मंदिर जा रहे हैं? मैं काफी दिन से स्केट्स चलाता हूँ तो भी थोड़ा एक्सपीरियंस भी है। मैं सोचा कुछ थोड़ा नया ट्राई करते हैं, थोड़ा एडवेंचर भी होगा और पूरा मजा भी आएगा जाने में। कोई थकान महसूस हो रही है? उससे झंडा हाथ में लिया है तब से कोई थकान महसूस नहीं हो रही है। जरूर एक बार राम मंदिर के दर्शन करो क्योंकि एक बहुत ही भव्य मंदिर है और बहुत सालों का संघर्ष है इसमें हमारे पूर्वजों का, तो यहाँ पे एक बार जरूर जाना चाहिए। पे एक एक मंदिर ही नहीं है, एक श्रद्धा है हमारी सब लोगों की, पूरे सनातन धर्म की जीत हुई है ये कि इतने 500 सालों के संघर्ष के बाद मंदिर बन रहा है। तो वहाँ पे एक बार जाकर अपनी हाजिरी जरूर लगाए, एक बार दर्शन जरूर करें। जय श्री राम। तो दोस्त हो तो ऐसा दोस्त स्केटिंग शूज पहन के राम मंदिर जा रहे हैं और इस दोस्त ने बोला कि मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरा साथ दूंगा। बहुत अच्छा महसूस है जी, बिल्कुल अच्छा। हमारी बाइक जो है लगभग 20-25 ही चल रही है, आज तक नहीं चलाई हमने इतनी कम, पर आज चला रहे हैं, मजा आ रहा है। तो दोस्ती हो तो ऐसी राम लक्ष्मण जोड़ी जैसी कि राम लक्ष्मण की जोड़ी है, तो ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है जो अयोध्या जा रही है और अयोध्या आशीर्वाद लेने राम जी का, अपनी हाजिरी लगवाने का। 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा शुरू होने जा रहा है और सड़कों पे आप देख सकते हैं राम मंदिर के जो भक्त हैं पैदल कोई स्केटिंग शूज के साथ राम मंदिर की तरफ रवाना होते जा रहा है। और एक लड़का हमें रामपुर के पास उत्तर प्रदेश में मिला जो राम मंदिर की तरफ श्रद्धा से रवाना हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अभी अभी हमें सड़क पे मिले हैं। आपका नाम क्या है भाई? विशाल राजपूत। आप कहाँ से राम मंदिर जा रहे हैं? हम आए हैं औरंगपुर फत्ता जो कि बिजनौर जिले में पड़ता है, वहाँ से और अयोध्या तक जाएंगे। कितने किलोमीटर है? लगभग 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर? जी सर। तो कैसे मन में आई, इधर आ जाइए बात करते हैं, कैसे मन में आया कि स्केटिंग शूज पहन के आप राम मंदिर जा रहे हैं? मैं काफी दिन से स्केट्स चलाता हूँ तो भी थोड़ा एक्सपीरियंस भी है। मैं सोचा कुछ थोड़ा नया ट्राई करते हैं, थोड़ा एडवेंचर भी होगा और पूरा मजा भी आएगा जाने में। और भगवान श्री राम एक मतलब बहुत ही बड़ा नाम जो कि बहुत सालों के इंतजार के बाद वहाँ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो हमने सोचा कि वहाँ चलते हैं और थोड़ा एंजॉय भी आएगा और जो हमारे दिल पे श्रद्धा है वो भी हमारी पूरी हो जाएगी वहाँ पे जाके। कब चले थे घर से आप? कब चले? चले थे कल सुबह। कब पहुँचेंगे आप अयोध्या? हम पहुँचेंगे लगभग 21 तारीख के शाम को ही अगर पॉसिबल हुआ तो, वरना फिर 22 को ही पहुँच पाएंगे। कोई थकान महसूस हो रही है? हाँ थकान थोड़ी बहुत है, लेकिन जब से झंडा हाथ में लिया है तब से कोई थकान महसूस नहीं हो रही है। ये झंडा जय श्री राम के नाम से आप देख सकते हैं हाथ में पकड़ा हुआ है और ये झंडा ही इनकी तेल है, ये झंडा ही इनका खाना है, ये झंडा ही इनका पानी है जिससे ये सफर कर रहे हैं। और इनसे और बातचीत करेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? 500 साल का संघर्ष है ना हमारे पूर्वजों ने किया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आपको ये मौका ये दिन देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और मैं सभी भक्तों से कहना चाहूँगा कि जय श्री राम बोलो दबा के और वहाँ पे जाओ। अभी शायद मोदी जी ने भी मना किया है वहाँ जाने के लिए, तो ज्यादा ना जाए, लेकिन बाद में आप जरूर एक बार राम मंदिर के दर्शन करो क्योंकि एक बहुत ही भव्य मंदिर है और बहुत सालों का संघर्ष है इसमें हमारे पूर्वजों का, तो यहाँ पे एक बार जरूर जाना चाहिए। आप करते क्या? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, अभी स्टडी कम्प्लीट हुई। चलते चलते बात करते हैं, थोड़ा हौसला देखिए इनका। और कोई खड्डे वगैरह आए रस्ते में? एक मिनट, कोई खड्डे वगैरह रस्ते में आते हैं तो फिर कैसे जंप करके निकल जाते हैं उससे थोड़ा सा? एक कितने दिन की प्रैक्टिस की आपने इसको? लगभग 5-6 महीने की प्रैक्टिस है, उसके बाद में जा रहा हूँ। अच्छा। और क्या क्या श्रद्धा भावना है कि राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर आपकी इच्छा क्या है, जाकर क्या मांगने की इच्छा? कुछ नहीं, बस जाके मांगना तो कुछ नहीं है, बस मन की एक श्रद्धा है कि हाँ राम मंदिर जाना है एक बार, वो पूरी हो जाएगी। अभी हो सकता है दर्शन ना हो, लेकिन दर्शन तो फिर कभी हो जाएंगे, लेकिन ये जो एक 22 तारीख का एक जो क्रेज है वहाँ पे जाने का, मतलब जो श्रद्धा है मन है कि 22 तारीख को ही वहाँ पे एक राम मंदिर की भव्य मूर्ति की स्थापना हो रही है, तो वहाँ पे जाएंगे। मतलब दिल में श्रद्धा है, बस एक जाना है, बाकी अभी कुछ सोचा नहीं है कि मांगना क्या है। बहुत खूबसूरत मैसेज नौजवान पीढ़ी को। अपने दोस्तों को नहीं बोला कि चलो साथ में? दोस्त के मैं स्केट से जा रहा हूँ, वो ही चलाता नहीं है स्केट्स, तो इसलिए ये बंदा मेरे साथ जा रहा है। अच्छा। इसके भी इसका भी पूरा योगदान है भाई, आजा आजा। उसका भी मतलब वो मेरे साथ साथ ही जा रहा है। 600 किलोमीटर बाइक चलाना, बिल्कुल पीछे पीछे 10-20
तो उसके भी जाड़ा हो रहा है, ठंड पूरा कोहरा है, कुछ चमक भी नहीं रहा। धुंध धुंध में आप जा रहे हो, आपको ठंड बहुत लग रही होगी, दस्ताने वगैरह कुछ नहीं? ये चलाते हैं तो ठंड लगती नहीं है, लेकिन जब पसीना आता है फिर रुकते जब हवा लगती है तो ठंड लग जाती है। लेकिन ये कि कपड़े पूरे पहन रखे हैं अंदर से, कोई दिक्कत नहीं है। हाथों को ठंड नहीं लग रही होगी, हाथ तो बहुत ही क्या। कितने किलोमीटर लगातार आप चल रहे हैं? हम कल हम चले थे लगभग 90-95 किलोमीटर, कल चले थे, और आज भी 100 किलोमीटर है बरेली। यहाँ से आज बरेली तक जाएंगे, फिर वहाँ पे रात को रुकेंगे, उसके बाद फिर कल निकलेंगे वहाँ से सुबह। तो मतलब डेली का 100 किलोमीटर अप्रोक्स पड़ जाएगा। 6 दिन में जाना है, 600 किलोमीटर है, तो लगभग डेली 100 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा। मोदी जी ने बोल रखा है कि अभी मत आना, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही आना, तो आप फिर भी चल पड़े? बस थोड़ी सी श्रद्धा है मन में, जाना है। मतलब ये कि 22 तारीख का जो क्रेज है ना, उस पे जाने का अलग ही मजा है। आपकी हाजिरी, हाँ, बाद में तो सब लोग जाते ही रहेंगे। हाँ। चाहे वैसे हमें मूर्ति के दर्शन ना हो, लेकिन वहाँ पूरी जो अयोध्या के दर्शन होंगे, वो जो पूरी भव्य अयोध्या तैयार की गई है एक तरीके से, वहाँ पे 21 तारीख के शायद रामलीला मंचन का भी एक आयोजन है बहुत अच्छा सा, तो हम वहाँ पे जाकर उसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे, उसको देख लेंगे। बस यही है कि वहाँ पे पहुँचना है 22 तारीख। क्या कुछ जानते हैं राम जी के बारे में आप, आदर्श आप क्या मानते हो, उनकी कौन कौन सी चीजें आपको सुनने को मिलती रही है बचपन से? राम जी जो है एक ऐसे पुत्र रहे अपने पिता के, जिन्होंने अपने पिता के सिर्फ एक वचन के लिए 14 साल तक वनों में जाके वहाँ पे तपस्या की, संघर्ष किया। और आजकल के अगर आप देखेंगे, आजकल के युवा जो बेटे होते हैं, मतलब अगर आप पिछला इतिहास ही देखें तो उसमें ऐसा बताया गया कि एक की गर्दन काट के दूसरा बंदा सिंहासन पे बैठा है। लेकिन जो हमारे राम है वो एक इस यह आदर्श स्थापित करते हैं कि एक भाई जो एक पिता के वचन के लिए 14 साल तक वनों में रहता है, और दूसरा भाई उसकी खड़ाऊ को रखकर तावा शासन करता है। तो इस समय एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है कि हाँ, ऐसे भी भाई हैं दुनिया में जो कि एक अपने भाई के लिए, अपने पिता के वचन के लिए इतना त्याग कर सकते हैं। तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप कौन सी क्लास में हो? मैंने अभी मास्टर कर ली है, मास्टर ऑफ साइंस, MSc। इन चीजों को पढ़ते रहते हो कि ज्ञान जो इतना? हाँ, कुछ पढ़ते भी रहते हैं, कुछ आजकल सोशल मीडिया ही है तो उससे भी थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। और मैं एक्चुअली मैं रामलीला में मंचन भी करता हूँ, मैंने लक्ष्मण का पाठ भी किया हुआ है रामलीला अपने गाँव में, हमारे जो रामलीला होती है वहाँ पे, तो इसलिए मुझे ये थोड़ी सी जानकारी भी है इस चीज। इस झंडे में कितनी ताकत लगती है आपको? इस झंडे में मतलब पहले मैंने बाइक में बांध रखा था तो थकान महसूस हो रही थी, लेकिन जब से मैंने इसे हाथ में लिया ना, अब मैं 30 किलोमीटर लगभग चलाया हूँ, 30-35 किलोमीटर, तब से मैं इसको हाथ में लेके चलाऊ ना, मुझे कोई थकान महसूस नहीं हो रही। और लोग मिल रहे हैं? लोग क्या कह रहे हैं? लोग बोल रहे हैं जय श्री राम बोल रहे हैं, कुछ लोग उत्साहवर्धन कर रहे हैं, सब लोग इतने मिल रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं, मतलब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आया पिया सुबह से? हाँ, सुबह नाश्ता करके ही हम घर से निकले थे। अभी थोड़ी बहुत दूर चलने के बाद 1-2 किलोमीटर के बाद हम फिर खाना खाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे। 22 जनवरी को आप हाजिरी लगाने जा रहे हैं, नौजवान को क्या बोलने चाहेंगे, नौजवान पीढ़ी को? यही बोलना चाहेंगे कि अभी शायद मोदी जी ने मना किया है तो अभी ना जाए, लेकिन राम मंदिर के एक बार दर्शन जरूर करें, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों का भी बहुत संघर्ष रहा है, और लगभग 500 वर्षों के इंतजार के बाद एक मंदिर बन रहा है। तो वहाँ पे एक मंदिर ही नहीं है, एक श्रद्धा है हमारी सब लोगों की, पूरे सनातन धर्म की जीत हुई है ये कि इतने 500 सालों के संघर्ष के बाद मंदिर बन रहा है। तो वहाँ पे एक बार जाकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, एक बार दर्शन जरूर करें। आप अपनी यात्रा आपकी मंगलमय हो, और नारा एक लगा दीजिए, जय श्री राम। तो ठीक, ये नौजवान आप देख सकते हो कितना ज्ञान है, पढ़ते रहते हैं, ऐसे नौजवान पीढ़ी को अच्छा मैसेज दे रहे हैं। 22 जनवरी को जो नौजवान वहाँ पे पहुँच रहे हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि ये इतिहास का बहुत बड़ा दिन है, और इस इतिहास में वो अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं, चाहे वो जिस प्रकार से भी जाए। और ये नौजवान करीब 700 किलोमीटर सफर तय करके राम मंदिर अयोध्या जा रहे हैं। तो दोस्त हो तो ऐसा, दोस्त स्केटिंग शूज पहन के राम मंदिर जा रहे हैं, और इस दोस्त ने बोला कि मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरा साथ दूंगा। कैसा महसूस कर रहे हो? ये आपने असल मिसाल पैदा की है दोस्ती की। बहुत अच्छा महसूस है जी। हाँ। बिल्कुल अच्छा। हमारी बाइक जो है लगभग 20-25 ही चल रही है, आज तक नहीं चलाई हमने इतनी कम, पर आज चला रहे हैं, मजा आ रहा है पूरा। तो दोस्त ने बोला था कि मेरे साथ चलो, या क्या आप बाइक पे जाओगे? हाँ, इनका कॉल आया था कि राम मंदिर चलना है, मैंने कब चलना है, बोला कल चलना है। ये बोले, मैंने पूछा कि कैसे चलना है, ये बोला कि मैं स्केट से चलूंगा, तू बाइक से चलियो। मैंने कहा चलो बस। आपने नहीं बोला यार मैं अकेला क्यों बाइक चलाऊं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राम का काम है, तो आशीर्वाद भी है, राम का काम है, तो हम पीछे राम का काम है, और बाकी सब काम आपने छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, छोड़ के आ गए जी। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ जी, BSc सेकंड ईयर है। तो दोस्ती हो तो ऐसी, राम लक्ष्मण जोड़ी जैसी। राम लक्ष्मण तो भाई थे, और कई बार दोस्तों को भी बोल देते हैं कि राम लक्ष्मण की जोड़ी है। तो ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है जो अयोध्या जा रही है, और अयोध्या आशीर्वाद लेने राम जी का, अपनी हाजिरी लगवाने का जा रहे हैं। कैमरामैन देवेंद्र के साथ प्रिंस सुनियाल, रामपुर, UP।